सीतापुर में रामपाल ने कमाल कर दिया। पहले 10वीं पास थे, फिर 8वीं पास हो गए। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि 9वीं और 10वीं की इनकी मार्कशीट को चूहे कुतर गए या किसी स्कूल से उल्टी पढ़ाई कर ली। जो भी हो, गोलमाल का खेल राजवंशी ही बता पाएंगे। रामपाल का बड़ा कमाल, हलफनामे में हो गया गोलमाल, मंत्री जी की उल्टी गिनती, रामपाल राजवंशी का उल्टा स्कूल, 10वीं से 8वीं पास हो गए कारागार मंत्री। यूपी के कारागार राज्य मंत्री है रामपाल राजवंशी। सीतापुर की मिश्रिक सीट से विधायक हैं, लेकिन इनके साथ कमाल है, इसे गोलमाल ही कहें तो ज्यादा सही रहेगा। मंत्री जी पहले 10वीं तक पढ़े थे, अब सिर्फ 8वीं पास हैं। पता नहीं इनकी 10वीं की मार्कशीट खो गई या उल्टी पढ़ाई कर ली, ये तो रामपाल राजवंशी ही पता कर सकते हैं। दरअसल पर्चा भरने के लिए रामपाल राजवंशी ने जो हलफनामा दिया है उसमें शैक्षिक योग्यता लिखी है 8वीं पास। 2012 में भी रामपाल राजवंशी 8वीं पास थे, उस दौरान भी मिश्रिक से ही चुनाव लड़ा था, लेकिन 2007 में इन्होंने मछरेटा से चुनाव लड़ा था, जो परिसीमन के बाद विधानसभा नहीं रही। उस दौरान रामपाल राजवंशी 10वीं पास थे। अब इनकी शिक्षा का स्तर कैसे गिरा ये तो रामपाल ही जाने, लेकिन रामपाल के गोलमाल पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। ये पहला ऐसा प्रकरण है कि जिसमें कोई व्यक्ति रिवर्स गियर में जा रहा है, 8वें पास की बात कर रहा है। 2007 में अगर वो हाई स्कूल पास थे तो ये कैसे संभव है कि 2012 में वो 8वां ही पास रह गए। रामपाल के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं, क्या लिखा सकते हैं, आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हो, तो सब जानकारी करोगे तो सब आ जाएगा सामने। रामपाल राजवंशी के पुराने साथी और सपा विधायक रहे रामपाल यादव ही सवाल उठा रहे हैं मंत्री जी पर। रामपाल यादव सीतापुर की बिस्वा सीट से लोकदल के उम्मीदवार हैं। उनकी राजनीति की शुरुआत ही फ्रॉड से हुई। सबसे पहले जब जनता दल से जीते थे तो जनता दल में टिकट मिला था उस समय उनको, रामकिशन को, उसके बाद फ्रॉड करके वहाँ से सिंबल बदलवाने का काम किया। ऐसे में देखना होगा चुनाव आयोग इस हलफनामे पर क्या कार्रवाई करता है। साफ है रामपाल ने गोलमाल तो किया ही है। सीतापुर से समाचार प्लस के लिए मोहम्मद रिजवान की रिपोर्ट।